केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश मेरे साथ हैं। मैम, अधीर रंजन चौधरी के मामले पे आज भी और कल भी सदन में बवाल हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगना होगा तो मांगूंगा, बीजेपी के लोगों से क्यों मांगूं? राष्ट्रपति के लिए जो शब्द बोले गए हैं वो रास्ते के ऊपर सबके सामने बोले गए हैं, और जब अब माफ़ी मांगने की बात है, जिसके जिस शब्द से हम लोग सब आहत हुए, पूरे देश के मुख्यमंत्री जितने भी हैं हम लोग और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इसके साथ में महिला, खास करके आबादी के आधे हम लोग जो आहत हुए हैं, उसको कैसे पता चलेगा? जब सदन के अंदर वो माफ़ी मांगेंगे द्रौपदी जी के लिए, तभी हम लोग उन समझेंगे। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, माफ कर देना चाहिए, टंग ऑफ स्लिप था। दो तीन बार हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ है। मैम, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी की सदन में, आप लोग भी सदन में मौजूद थे? किसी ने देखी नहीं कि ये बदसलूकी हुई है, और वहाँ जब बातचीत से सभी समस्या का हल होता है तो एक दूसरे से बातचीत करके निकालनी चाहिए। हम लोग तो रास्ते के ऊपर जो हुआ है, मतलब उन्होंने जो जिम्मेदारी लेनी है वो लेनी नहीं है, और हम उनको जो माफ़ी मांगनी है उसमें सीधे प्रधानमंत्री को घसीट लेते हैं। तो मुखिया होने के नाते कांग्रेस पार्टी बिना एजेंडा के आगे चल रही है। ईडी समन्स जो उनके सामने निकला था तभी से वो रास्ते पे है, और वो रास्ते पे जो भी शब्द अनाप शनाप बोलते हैं उसके बारे में हम लोग संसद के अंदर उनकी माफ़ी चाहते हैं। शुक्रिया मैम। कुमार गौरव, News 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।